जीपीएल न्यूज टुडे गोपालगंज की धड़कन, अपने भाषा की पहचान। चीफ इंजीनियर गिरफ्तारी यदि एक सप्ताह के अंदर करता है तो 1,00,000 रुपया इनाम देंगे हम पार्टी की ओर से। और जो उस अपराधी को जिसने 16 साल के मासूम बच्चे को मारा है, समाज में तो दंडित करेगा। ऐसे लोगों को जीने का राइट नहीं है। समाज जो भी दंडित ऐसे अपराधियों को करेगा उसको भी 1,00,000 रुपया मदद मिले। गोपालगंज जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज मृतक रामाशंकर सिंह के घर गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक के भाई शिवशंकर सिंह व पुत्र राणा प्रताप सिंह से मुलाकात की। उन्होंने परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की और हमेशा उनके साथ खड़े रहने की बात कही। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम पूरे बिहार में एस्टीमेट घोटाले की मांग करना चाहते हैं, क्योंकि एस्टीमेट घोटाला से बड़ा घोटाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि दोषी इंजीनियर व उनके साथियों का पता बताने वाले को हमारी पार्टी की तरफ से 1,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। सेवन 56 का खेल शुरू हो। सरकार से मेरी 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल है कि इस प्रदेश में कोई काम समय पर क्यों नहीं हुआ आज तक? सरकार ने जितने भवन बनाए, जब एस्टीमेट बनी थी तब तो उसका आकलन कम का था, और फिर तिथि बढ़ती चली गई, एस्टीमेट बढ़ता चला गया। 100 करोड़ का काम 300 करोड़, 800 करोड़। बापू सभागार भवन हो या म्यूजियम हो या नया विधानसभा हो या कोई पुल हो या कोई रोड हो, एक तो सरकार के पास कोई अपनी जमीन नहीं, अधिग्रहण नहीं दिया जाता। 3-4 सालों तक 5 सालों तक कोई जमीन अधिग्रहण सरकार होती ही नहीं, क्योंकि उनकी राजनीतिक व्यवस्था है किस जात की जमीन वो लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा वोटर ना भी लगे। दूसरा, एम्स के लिए सरकार ने कोई जमीन अभी तक बिहार में नहीं दी। 15 सालों के अंदर एक भी सेंट्रल स्कूल के लिए सरकार ने जमीन नहीं दी। नया NH और नए रेलवे लाइन के लिए सरकार ने जमीन नहीं दी। फिर ये भवन पर भवन, चाहे पॉलिटेक्निक भवन, इंजीनियरिंग भवन, चाहे जितने स्कूल, जो भी भवन बने हैं जितने बड़े बड़े, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आपके पास डॉक्टर है नहीं, आपके पास टेक्नीशियन है नहीं, आपके पास लैब है नहीं, आपके पास अल्ट्रासाउंड CT स्कैन MRI। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, 80% लगभग मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 56% बिहार में डॉक्टर नहीं है, लगभग 50% कर्मचारी नहीं है, तो फिर ये भवन क्यों बन रहा है? सिर्फ नेता पदाधिकारी और ठेकेदारों की लूट के लिए, सिर्फ घर भरने के लिए? ये जो मर्डर हुई है, जो घटना घटी है, हम शुरू में बहुत दिनों से सुनते रहे, दबंगों के द्वारा कुछ मांगने पर लोग गरीब को जला देते हैं। बड़े से बड़े सामाजिक लड़ाई होती है, राजनीतिक सामाजिक आधार पर लड़ाई होती है, तो मुझको लगता है कि कई तरह की बड़ी से बड़ी घटना घटी। रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है गोपालगंज की, जिस तरीके से 4 सालों से लगातार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिवॉल्वर लेकर के धमकी देते थे, काम करवाते थे, AC और चीफ इंजीनियर,
कौन इसके आका ऊपर में बैठे हुए थे जिसके चलते चार सालों से गोपालगंज में वो बैठे थे। एक अफसर को ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी कृपा होगी तो 3 साल से ज्यादा रहने का राइट नहीं, 4-4 साल तक यदि कोई अफसर है तो निश्चित रूप से यह एक जांच का विषय है कि इसके पीछे, इस हत्या के पीछे ऊपर कौन कौन लोग हैं और कौन ऐसे पदाधिकारी को, मेरी तो मान्यता है कि वीडियो हो या थानेदार, पदाधिकारी को माफिया और अपराधी पोस्टिंग करवाता है नेताओं से कह करके, क्योंकि नेताओं को राजनीति करने के लिए, नेताओं को घर चलाने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूमने के लिए सिवाय अपराधी और माफिया के दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। चाहे वो कोई घटना आप उठा के देख लीजिए, इसके पीछे एक गहरी साजिश है। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और एसी का पता बताएगा उसको 1,00,000 रुपया इनाम हमारी पार्टी की तरफ से दी, ताकि वो अविलंब डिसमिसल हो, अविलंब एसपीडी ट्रायल हो। ये मेरा सीधा आरोप है कि इसकी बड़ी इंक्वायरी हो कि इसके पीछे क्या और भी लोग हैं, क्या 3 ही लोग तो जला के मार नहीं दिए, वहाँ और कौन कौन साजिश में थे, पहले से कौन साजिश करता ऐसे हैं। तो मैं तो इसको इंक्वायरी चाहता हूँ, या तो सीबीआई या तो वर्तमान न्यायाधीश या नहीं तो उच्च स्तरीय सीआईडी की जांच सरकार करा के इसको ओपन करे। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार के एस्टीमेट घोटाले पर मेरी साफ है कि देश में इससे बड़ा घोटाला कभी नहीं होगा, इसलिए मैं बिहार में जितने भी एस्टीमेट बने हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी, चाहे वो आरईओ, चाहे वो बार, चाहे वो बांध, 20 दिन पहले बांध बनता है और 33 करोड़ का बांध 2 दिन में खत्म हो जाता है, 1 करोड़ जहाँ एंटी रोजन काम, जब फ्लड फाइटिंग के पहले आप काम करते हैं तो फिर फ्लड फाइटिंग के बाद आपको करोड़ों अरबों रुपया क्यों लगाना पड़ता है, और फिर वो बांध क्यों टूट जाती है, और आज तक किसी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बाढ़ से आम आदमी 700-800 हजार मर जाते हैं, जिंदगी नासूर हो जाती है, और वो पदाधिकारी और मंत्रालय कभी सस्पेंड नहीं होता, कभी जेल नहीं जाता। तो हम चाहते हैं इस घोटाले की उजागर, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। दूसरी जो घटना, लगातार मैंने कहा कि गोपालगंज, सिवान और छपरा ये क्राइम का बादशाह बनता चला गया, ये एक अपराध, मतलब इसको मैं यह कह सकता हूं कि अपराधियों का यह शरणस्थली है, माफियाओं का। जिस तरीके से एक 16 साल के बच्चों को मारा गया सिर्फ अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए, सिर्फ दबंगियत के कारण, पहले भी थाने को खबर थी कि वो बड़ी हथियार बेचते हैं, पिस्टल बेचते हैं, गांजा का काम करते हैं, बच्चे ने संजोग से कहिए कि उन्होंने देख लिया, और जिस तरीके से बच्चों को अचानक नहीं घटी है, आप रिवॉल्वर पिस्टल से मार रहे हैं, इसका मतलब मनसा आपकी पहले से सही नहीं थी और आपने जान के मारा 16 साल बच्चा जो पढ़ने जा रहा था, और पहले से वहां पर वो हथियार का सौदागर है। ऐसे लोगों को जो भी समाज में दोष दंडित करेगा, हम उसको भी 1,00,000 रुपया इनाम देंगे। ऐसे लोगों को समाज में जीने का राइट नहीं है, रहने का राइट नहीं है। जो भी जो मासूम के साथ घटना घटी है, मैं उस पर, मैं डीजी साहब से बातचीत किया, रात में मेरी घंटों बातचीत हुई इन दोनों घटनाओं को लेकर के, मेरी अभी आईजी से बातचीत हुई, क्या कारण है कि पूरी इंक्वायरी अब नहीं हो रही है और थाना में इंक्वायरी नहीं हो रहा है। लगातार अभी सीमान में शराब को के चलते एक सत्तन साहू को आप कह करके मार दिया गया, सिर्फ उसने कंप्लेन किया था शराब बेचने का। नीतीश बाबू डेली करोड़ों अरबों का शराब पकड़ाता है, इसका मतलब तय है ना कि आप यहाँ शराब धरल्ले बिक रहा है, और शराब कंप्लीट एक बड़ा जमीन घोटाले के बाद जमीन की दलाली जो शहर में शहर का शहर हो रहा है, और उसके बाद बालू, फिर शराब, शराब के बाद सेक्स रैकेटर, लगातार 25,000 लगभग गैंग रेप बिहार में, जो कंप्लीट रूप से
पुलिस के मासूम बच्ची और सबके सब गरीब दलित कमजोर वर्गों से, एक भी बड़े परिवार का नहीं, 30,000 लगभग मौत, 6,82,000 एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये पप्पू यादव का नहीं है, ये पुलिस के रिकॉर्ड में है। यदि मैं मुझसे पूछेगा तो हत्या 1,00,000 से ऊपर है, 1 साल के अंदर ये गैंगरेप है। 5 बार तो हम छपरा आ चुके हैं राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद जी के साथ, मौत के सौदागर बने हुए हैं ये नेता लोग, पॉलिटिशियन कंप्लीट रूप से इसमें दोषी है। पॉलिटिशियन अपने सत्ता और पद पाने के लिए ऐसे लोगों को महामंडित करती है, ऐसे लोगों को जात के आधार पर सरकार तवज्जो देती है, ऐसे लोगों को सरकारी मदद मिलता है क्योंकि सरकार को लगता है ये जितने माफिया और घोटाला हैं इन मेरे पार्टी चलाने के लिए इनके पास अब अभी गुटखा पान पड़ा, 3 रुपया का 5, 5 का 7, 7 का 10, 10 का 12, फिर लेबल बदल जाएगा, तंबाकू खत्म करो ना, जो सबसे ज्यादा कैंसर है सिगरेट और गांजा, जो सब कोई समझ में नहीं आता है कि आखिर आप चाहते क्या है। इस प्रदेश में इनसे डेली, कल हम जहानाबाद में थे, 3 मर्डर हुई, कल मैं जा रहा हूं बेगूसराय, 1 दिन में 2-3 दर्जन से ज्यादा संगीन अपराध, दरभंगा में एक परिवार को गोली मार दी गई, 3 आदमी को घर ढूंके, घास काटने के नाम पर कल 3 आदमी को मार दिया हाजीपुर में, अपराध नीतीश बाबू, चूंकि उनको पता है कि समाज का अपराध से कोई लेना देना नहीं, समाज अपराध का जनक बनते चले जा रहे हैं, वोट और सियासत और सत्ता में बने रहना है तो 47-56 का खेल, विधायक वही बनेंगे, MLA MP वही बनेंगे, मंत्री वही बनेंगे, पूरा का पूरा गोपालगंज के बारे में शुरू से लेकर आज तक क्या कहना, सबको पता है सैया भेल कोतवाल तो अब डर का आएगा। 90 के पहले मेरा सीधा डिमांड है, 90 के पहले जिसके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं थी, जिसके पास 1 साइकिल नहीं था, जिसके पास 1 मोटरसाइकिल थी, आज उसके पास 5 गाड़ी 10 गाड़ी करोड़ों का घर शहर के शहर में कैसे है। जिस दिन हमारी भूमिका और भागीदारी किसी सरकार में होगी, 1 महीने का वक्त देंगे उन्हें यह बताने के लिए कि आप ये बताएं 90 और इतने दिनों के अंदर आपके पास करोड़ों और खरबों अरबों रुपया कहां से आए। सरकार संतुष्ट नहीं होगी, 31वां दिन इन लोगों की संपत्ति को हम गवर्नमेंट में अटैच कर दें, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो माफिया हो, पहले था जंगल राज, अब है माफिया राज।